दोस्तों बात हो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं की तो उसमें शाहरुख खान का नाम तो सबसे ऊपर होता है, जो सिर्फ अपनी एक्टिंग और लुक्स के चलते ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत और लगन के लिए भी पहचाने जाते हैं। मगर वर्तमान में शाहरुख खान अपनी इन सब खूबियों की वजह से नहीं बल्कि अपने बेटे आर्यन खान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं, शाहरुख खान के नवाबजादे आर्यन खान वर्तमान में ड्रग्स केस में फंस चुके हैं, जिस वजह से आम जनता से लेकर बॉलीवुड तक के सभी सितारों का इस पर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे कई दिग्गज मशहूर अभिनेता हैं जिन्होंने आर्यन खान ड्रग्स केस मामले पर अपना अलग अलग रिएक्शन दिया, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन्हीं मशहूर सितारों से रूबरू कराने और उनके रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं बॉलीवुड के उन्हीं मशहूर स्टार से। नंबर वन, धर्मेंद्र। इस लिस्ट की पहली कड़ी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र का नाम शुमार होता है, जिन्हें जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले की खबर मिली तो इन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि आर्यन खान के साथ साथ शाहरुख खान का भी करियर खत्म करना चाहते हैं ये लोग। उसको फंसा कर ये लोग उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आर्यन खान बिल्कुल निर्दोष है, वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। नंबर टू, शत्रुघ्न सिन्हा। अब बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। तो आपको बता दे, जब इन्हें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस के बारे में पता चला कि एनसीबी वालों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है, तो इन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने कहा, यह सिर्फ आर्यन खान को फंसाया जा रहा है, जिससे इसके पिता शाहरुख खान को भी बर्बाद किया जा सके, क्योंकि वहाँ कई और लोग भी मौजूद थे लेकिन उनका नाम इतना ज्यादा नहीं लिया जा रहा। मगर आर्यन खान का नाम इस केस में इतना क्यों घसीटा जा रहा है। नंबर थ्री, अमिताभ बच्चन। अब बात करते हैं सदी के महानायक कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के बारे में। तो आपको बता दे, जब इन्होंने सुना कि आर्यन खान को ड्रग्स केस की वजह से एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है, तो इन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि एक शरीफ लड़के को यूं फंसाना ठीक नहीं, भगवान के लिए छोड़ दो उसे, क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया बल्कि वो ऐसे गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नंबर फोर, जितेंद्र। अब बात करते हैं अपने डांसिंग स्टार से फेमस हुए अभिनेता जितेंद्र के बारे में, जिन्हें जब शाहरुख खान के नवाबजादे आर्यन खान के ड्रग्स केस के बारे में खबर मिली तो उन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने कहा कि अभी तो आर्यन खान को फिल्में मिलना शुरू ही हुई थी कि तुमने उसका करियर बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से अब उसे कोई भी बड़ा डायरेक्टर काम नहीं देगा। मगर आर्यन खान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नंबर फाइव, मिथुन चक्रवर्ती। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में डिस्को डांसर का टाइटल हासिल करने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम शुमार होता है। तो आपको बता दे, जब इन्होंने सुना कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी वालों ने अरेस्ट कर लिया है, तो इनका भी ड्रग्स केस मामले पर एक ऐसा रिएक्शन देखने को मिला, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने कहा कि आर्यन खान, मैं तुम्हें इन लोगों के जाल से बाहर निकालूंगा, ये लोग तुम्हें फंसा रहे हैं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसे गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी इन सब चीजों से बाहर निकाल लूंगा। तो दोस्तों, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के इन सितारों के रिएक्शन को सुनकर क्या कहना चाहोगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।